अब रही। आपको पता है जब भाजपा सन्नी ये फिल्म स्टारों को ला रही है तो इसका मतलब है कि अपने आप में कमजोर है। ये सीधी पड़ी है कि उनको नेताओं पर भरोसा नहीं। मोदी जी आ गए और बाकी अब आज वो पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह भी आ रहे हैं, हेमा मालिनी, पता नहीं किन सबको ला रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप में कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे तो कोई पहले मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, अब हमें आवश्यकता नहीं है कोई रोड शो या कोई बाहर से कोई नेता बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मजबूत हैं। बाड़मेर की शहर की जनता मजबूत है, बाड़मेर पूरी लोकसभा के लोग एक साथ मनोहर सिंह के साथ और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और हम तो जीतेंगे बहुत अच्छे मार्जिन से। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भाजपा वाले अब लास्ट में जो अंतिम प्रयास करने हैं वो सब करेंगे। वो अपने आप में कमजोर महसूस कर रहे हैं तभी तो बुला रहे हैं। अगर वो अपने आप में मजबूत महसूस करते तो अभी इनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हम तो मजबूत हैं, सभी 36 को हमारे साथ है और सब लोगों का मानस है। तुलना प्रत्याशी की करो, कहाँ मानवेंद्र कर्नल मानवेंद्र सिंह और कहाँ एक पता कर लो अखबार में क्या आया था उसकी उसकी तुलना कहाँ है। सर कर्नल साहब भी वापस घर कर रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं क्या? तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे पार्टी में वापस आएंगे तो बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था। अगर वो आते हैं तो हमारे कांग्रेस के लिए तो वो कोई कह रहे अच्छे दिन, हमारे लिए तो बुरे दिन।